Hello everyone, I am Avneesh Dhariwal. Those of you who do not know me, I am working as a judge and I qualified the judicial exams of Delhi and UP. Today's topic is civil services and judicial services, the difference between their examination patterns. आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि वो सिविल सर्विस की तैयारी करें या फिर जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी करें, और उसमें एक बहुत बड़ा जो डाउट आपके दिमाग में रहता है कि किस सर्विसेज में कितना रिस्क है एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न, यानी कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल होने का क्या रेशियो है, किस में किस एग्जाम की तैयारी करके वो जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं, किस एग्जाम में ज्यादा चांस है कि वो दे कैन क्रैक दैट एग्जाम. देखो, आप जिस चीज के लिए पैशनेट हो, गो फॉर इट. बट हाँ, ये भी एक क्राइटेरिया या एक कंसिडरेशन आप रख सकते हो कि किसमें सक्सेसफुल होना आसान है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिविल सर्विसेज एंड जुडिशियल सर्विसेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, सिविल सर्विसेज में वो कैंडिडेट जल्दी सक्सेसफुल होगा हु हैज वाइडली रेड अबाउट मैनी थिंग्स. जो सिविल सर्विसेज का जो एरिना है वो बहुत वाइड है. सिविल सर्विसेज में कहीं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं. दे मे आस्क क्वेश्चन अबाउट पॉलिटिक्स, दे मे आस्क क्वेश्चन अबाउट वर्ल्ड हिस्ट्री, दे मे आस्क क्वेश्चन अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस, बिजनेस रिलेशंस, दे मे ऑल्सो आस्क अबाउट एटोमिक एनर्जी, द रिस्क एसोसिएटेड विद एटोमिक एनर्जी, दे मे आस्क क्वेश्चन अबाउट फ्लड्स एंड वट मेजर्स वी शुड टेक टू कर्ब देम. उनका कोई फिक्स्ड फील्ड नहीं है. वो बहुत एक वाइडली नॉलेज, अगर आप पहले से आदत में हो कि आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने का शौक है, तब इट वुड बी यूजफुल फॉर यू. क्योंकि सिविल सर्विसेज में भी आप एक सब्जेक्ट चूज करते हो, पर जो मेजर चंक है मार्क्स का, इट इज ऑल अबाउट जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज ही डिसाइड करेगा कि आप सक्सेसफुल हो के नहीं, और आपकी रैंक कहाँ जाती है. क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोर्शन है, जो सबसे ज्यादा वेटेज है, वो जनरल स्टडीज का है. दूसरी तरफ अगर जुडिशियल सर्विसेज की बात करें, तो जुडिशियल सर्विसेज में यू नीड टू हैव इन डेप्थ नॉलेज अबाउट लॉ. आपको लॉ के सब्जेक्ट्स की एक गहरी नॉलेज होनी चाहिए, बट उतनी एक्सटेंसिव नॉलेज अबाउट द आउटसाइड थिंग्स इज नॉट रिक्वायर्ड. आपने अगर वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह नहीं भी पढ़ा होगा, आपको बिजनेस रिलेशंस, ट्रेड रिलेशंस की ज्यादा जानकारी नहीं होगी, बट यू आर गुड एट लॉ, आप लॉ सब्जेक्ट्स में अच्छे हो, तब आप यू कैन इजीली क्रैक जुडिशियल एग्जाम्स. फिर सिविल सर्विसेज में कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है. जब हम जीएस की बात करेंगे, तो जीएस में कोई फिक्स्ड सिलेबस नहीं है. कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, किसी एक्सपेक्ट को लेकर पूछ सकते हैं, किसी भी चीज को लेकर पूछ सकते हैं. उसका जो सिलेबस है ना, वो बहुत वाइड है, और आपको बहुत एक बड़ा, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कैसे चूज करें, क्या डिसाइड करके जो है पढ़ना स्टार्ट करें. कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है. हर साल अब तो पैटर्न और भी ज्यादा चेंज हो रहा है, तो आपको निगाह रखनी पड़ेगी आपको कि क्या हो रहा है आपके चारों तरफ, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है. इंडिया से रिलेट करके चीज पूछी जा सकती है. जबकि अगर मैं जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं, तो यहां पर सिलेबस लिमिटेड है. यहां पर जो आएगा वो आपके लॉ सिलेबस से ही आएगा, और उन लॉ सिलेबस में कुछ सब्जेक्ट बड़े हो सकते हैं, जैसे कि सीपीसी. लेकिन इवन उन सब्जेक्ट्स में भी दो तीन बार आप पढ़ोगे, तो आप जो है यू वुड बी एबल टू डू वेल. और उसमें से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो तोड़ मोड़ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट मोर और लेस उस सिलेबस में, उस बाउंड्रीज में वो चीज कवर हो जाएगी. सिविल सर्विसेज में यू कैन नेवर से कि ये इसी पोर्शन से आ जाएगा क्वेश्चन. यू नेवर नो कि कहां से क्वेश्चन आएगा. थर्ड पॉइंट इज कंपटीशन. अगर आप लॉ एग्जाम्स की, जुडिशियल एग्जाम्स की बात करें, तो कंपटीशन जो है आपका अपनी फील्ड वालों से है. यू आर रिक्वायर्ड टू कम्पीट विद ओनली लॉ स्टूडेंट्स. और लॉ के मैं कॉलेजेस की बात करूं, DU हो गया, NLU's हो गए, BHU हो गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गई, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, तो इस ढंग से अगर काउंट करोगे ना, तो टोटल आपको बहुत ज्यादा कॉलेज नहीं मिलेंगे. मुश्किल से 40-50 कॉलेज होंगे जो बहुत अच्छे कॉलेज की लिस्ट में आते हैं. उसमें भी बहुत सारे लोग होते हैं जो कि एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, या फिर लॉ फर्म्स ज्वाइन करते हैं. तो अपनी फील्ड के भी बेस्ट कैंडिडेट्स
में से आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स वुड ओनली ट्राई फॉर जुडिशियल सर्विसेज, तो कंपटीशन कम है। दूसरी तरफ मैं सिविल सर्विसेज की बात करूं तो सिविल सर्विसेज में हर स्ट्रीम का बच्चा आना चाहता है। सम ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ मेडिसिन, सम ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, सम ऑफ द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ आर्ट, ह्यूमैनिटीज एंड अदर कॉमर्स, सब सब स्ट्रीम्स की कुछ बेस्ट कैंडिडेट्स आएंगे वहां पे और ट्राई करेंगे अपना लक। सो यू वुड बी कंपीटिंग विद द बेस्ट कैंडिडेट्स ऑफ एवरी स्ट्रीम। सो वहीं पे आप कह सकते हो कि आपका कंपटीशन सिविल सर्विसेज में बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जुडिशियल सर्विसेज में आपका कंपटीशन काफी कम है, अगर मैं चांसेस की बात करूं। फिर फोर्थ चीज है इथिक्स। सिविल सर्विसेज में जब से इथिक्स का पेपर आया है तब से बहुत अनसर्टेनिटी आई है। एक कैंडिडेट जो कि बहुत अच्छे ढंग से प्रिपेयर्ड है सारे सब्जेक्ट्स को लेकर, वो भी हो सकता है इथिक्स के पेपर में अच्छा स्कोर ना कर पाए। जो इथिक्स के क्वेश्चंस हैं बहुत अलग ढंग के क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल वो पूछेंगे आपसे इथिक्स में कि आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हो, आपका लास्ट अटेम्प्ट है, आप इंटरव्यू के लिए देने जा रहे हो, और इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो तो रोड साइड पे आपको दिखता है कि एक पर्सन वुंडेड है, बहुत बुरी तरह से वुंडेड है, घायल है, और वहां पे कोई भी नहीं है, सुनसान रोड है। और अगर उस बंदे को लेके आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप इंटरव्यू के लिए टाइम पे नहीं पहुंच पाओगे, और अगर आप उस बंदे को लेके हॉस्पिटल जाते हो तो यू वुड मिस योर इंटरव्यू एंड यू वुड आल्सो मिस योर लास्ट चांस टू बिकम ए सिविल सर्वेंट। अब इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर, यू कैन नेवर से। इसीलिए इथिक्स के पेपर में जो डिफरेंस है मार्क्स का वो बहुत ज्यादा है, और कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है, कोई फिक्स्ड आंसर नहीं है। कोई भी कोचिंग वाला या ट्यूटर आपको ये नहीं बोल सकता कि दिस इज द ब्लडी एग्जैक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस इथिक्स के पेपर में पूछे जाते हैं। थिंकर्स वगैरह को आप कितना ही पढ़ लो, इस टाइप की चीजें बहुत अनसर्टेन होती हैं, बहुत सब्जेक्टिव होती हैं, और इसी से जो है अनसर्टेनिटी इंक्रीज हो जाती है। यू मे बी प्रिपेयरिंग फॉर फाइव ईयर्स फ्रॉम द लास्ट फाइव ईयर्स फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, बट इथिक्स का पेपर हो सकता है आपका खेल बिगाड़ दे। नाउ जुडिशियरी में जो मार्क का डिफरेंस है, जैसे कि लैंग्वेज पेपर, एस ए पेपर, लैंग्वेज पेपर और एस ए पेपर में काफी डिफरेंस रहता है, बट दैट कैन ईजीली बी ब्रिज्ड, उसे जो है कम कर सकते हो आसानी के साथ। आप एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट कर दो, आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव हो जाती है, आपका एस ए पेपर भी इंप्रूव हो जाता है। तो जुडिशियरी में उतनी दिक्कत नहीं है, चीजें फिर भी एग्जैक्ट हैं, चीजों का एक स्टैंडर्ड है कि हाँ ये ठीक है ये गलत है। इथिक्स के पेपर में यू कैन नेवर से दैट। तो ये फ्लक्चुएशन जो सिविल सर्विसेज में है इथिक्स के पेपर की वजह से, ये आपको जुडिशरी में नहीं मिलेगी। तो अगेन चांसेस ऑफ सक्सेस आर मोर इन जुडिशियल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है, दे वांट टू टेक ए पर्सन हु हैज क्वालिटीज ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर, उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए और उसी के लिए वो एग्जाम बनाते हैं, एग्जाम उसी पैटर्न पे वो एग्जाम को डिजाइन करते हैं। एक उन्हें ऐसा बंदा चाहिए जो कि दंगे हो जाए शहर में, रॉइट्स हो जाए तो भी देख ले, बाढ़ आए तब भी वो देख ले, इलेक्शन हो तब भी जो है सब कुछ चीजें मैनेज कर ले। तो उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए बेसिकली सिविल सर्विसेज में। दूसरी तरफ अगर मैं जुडिशियल सर्विसेज की बात करूं तो यहां पे जरूरत है एक इंटेलेक्ट की, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन चाहिए जो इंटेलेक्ट रखता हो, जो कि फैक्ट्स को देख सके, लॉ को देख सके, कोरिलेट कर सके, वेटेज दे सके एग्जामिनेशन को, और डिसीजन दे सके, रीजन डिसीजन दे सके। तो ये दोनों में फर्क है, ये दोनों में जो है डिफरेंस है, इसीलिए दोनों के पैटर्न्स भी डिफरेंट है। दिल्ली में का जो एग्जाम है वो भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है, बट रीजनिंग बेस्ड है और उतना सब्जेक्टिव फिर भी नहीं है। That is the difference between both these exams. And lastly, I would say कि if you are passionate about a service, then don't think about the chances of failure or success. अगर आपको really craze है civil services का, then take that risk and take that exam. लेकिन सिर्फ आप glamour के लिए या facility के लिए जाना चाहते हो तो I would say judiciary is a better option. यहाँ chances ज़्यादा हैं successful होने के। दूसरी बात, अगर आप पावर की भी बात करते हैं तो सिविल सर्विसेज में भी पहली दो तीन सर्विसेज ही होती हैं जो पावरफुल सर्विसेज, मतलब पावर वाली सर्विसेज में काउंट होंगी। तो
उस चीज की कंसिडरेशन मत देखो आप, देखो आपका अपना इंटरेस्ट किस चीज में ज्यादा है। एज ए सिट एज ए जज यू वुड बी सिटिंग इन योर चेयर, यू वुड बी लिसनिंग टू द फैक्ट्स, यू वुड बी लुकिंग एट चार्जशीट देखोगे आप, गवाह देखोगे, बयान देखोगे और डिसाइड करोगे। या फिर एज बीइंग डीएमएसपी जो कि पावरफुल पोस्ट है सिविल सर्विसेज में, उसमें आप देखोगे कि आप जा रहे हो इधर, मैनेज कर रहे हो चीजों को, पॉलिटिशियंस को भी मैनेज कर रहे हो, इलेक्शंस को मैनेज कर रहे हो, क्राइम को भी मैनेज कर रहे हो, राइट्स को भी मैनेज कर रहे हो। आप अपने आप को देखो कहां आप जो है ज्यादा सुटेबल हो, किस पोस्ट के लिए आपकी इंक्लिनेशन है, किस सर्विस के लिए आपकी इंक्लिनेशन है। दैट शुड बी योर क्राइटेरिया कि आप किस सर्विस में, किस सर्विस के लिए ट्राई करते हो, किस सर्विस में आप ज्यादा फिट बैठोगे। इसके अलावा मेरा एक वीडियो पहले है सिविल सर्विसेज और जुडिशियल सर्विसेज की फैसिलिटीज को मैंने कंपेयर किया था, यू मे ऑल्सो हैव ए लुक एट देम। और बहुत सारे लोग मुझसे बोल रहे थे कि वो फेसबुक पे नहीं है एंड दे वर रिक्वेस्टिंग मी के आई शुड मेक एन अल्टरनेट आईडी ऑन सम अदर सोशल नेटवर्किंग साइट। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक आईडी बनाई है और माई यूजर नेम इज आई एम अवनीश धारीवाल। मेरा यूजर नेम जो है वो है आई एम अवनीश धारीवाल विदाउट एनी स्पेस। तो आप सर्च करोगे तो आप इजीली यू वुड फाइंड माई इंस्टा आईडी आई एम अवनीश धारीवाल, वेयर आई एम रिसीविंग ए पैकेट एज ए प्राइज फ्रॉम वन ब्रिगेडियर। That was the event of Indian National Bar Association. That was a debating competition. I won a consolation prize. The competition was judged by Honorable Justice Arjun Sikri sir. It was a proud moment for me. तो फोटो से ही आपको दिख जाएगा। तो आप उस पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। बट अगेन आई वुड से बेसिक क्वेश्चन मत पूछना, इस टाइप के क्वेश्चन मत पूछना कि सिलेबस क्या है, मुझे सिलेबस बता दीजिए, क्या IPO जो है हायर जुडिशियल सर्विस की एग्जाम दे सकता है, इस एग्जाम में ये सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है, क्या हरियाणा के प्री में जीके आते हैं, ये सब बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चंस हैं। गूगल देम यार, इट्स अवेलेबल। आई शुड नॉट बी टेलिंग यू दीज थिंग्स, दैट वुड बी वेस्टेज ऑफ माई टाइम एंड योर टाइम टू। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, बी रेस्पॉन्सिबल। इफ यू वॉन्ट टू बी जस्ट बी रेस्पॉन्सिबल, अपनी एक बेसिक स्टडी करके आओ। दूसरी बात, जिन टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं उन पे डोंट एक्सपेक्ट मी टू आंसर दोज थिंग्स विच आई हैव ऑलरेडी सेड इन दोज वीडियोज। आप जाके देखो चैनल पे, वीडियोज पे क्लिक करो, 100+ वीडियोज है, उनमें बहुत सारी चीजें जो मैंने डिस्कस की हैं, उन पे कोई एडिशनल क्वेश्चन हो आपका तब आप मुझसे पूछ सकते हो। यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टा और यू कैन फॉलो मी। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, दैट ऑन 15 जुलाई, दैट मीन्स टुमारो एट 6 PM आई वुड बी लाइव, और वहां पे आप अपनी कमेंट्स वगैरह लिख सकते हो और लाइव मैं आपको आंसर दूंगा, लाइव इंटरेक्शन हम कर सकते हैं। मैं कोई आंसर देता हूं उस पर आप क्रॉस कमेंट, दूसरी कमेंट भी कर सकते हो। बट आई वुड बी लाइव ऑन माय अदर चैनल, मेरा जो दूसरा पोएट्री वाला शायरी वाला चैनल है उस पर मैं लाइव रहूंगा। तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और जो भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो। 15 जुलाई, दैट मीन्स टुमारो एट 6 PM आपके जो भी क्वेश्चन हो उन्हें लेके बैठना, पहले से एडिशनल क्वेश्चन मेरे वीडियो देखने के बाद जो एडिशनल क्वेश्चंस आपके पास हो। और इसीलिए जो है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसका सजेशन मेरे राइट अपर राइट कॉर्नर में आ रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।